अभी पिक्चर बाकी है तो वंस वी फिनिश आई विल टेल यू व्हाट आई फील. आई एम श्योर पहली फिल्म बड़ी कमाल की थी. पूरी टीम बड़ी ज़बरदस्त है. रेमो सर हों, द कास्ट, प्रभु सर, वरुण, श्रद्धा, सब लोग कमाल के हैं. द म्यूजिक इज डूइंग रियली वेल. होप सो बड़े कमाल का एंटरटेनमेंट है जिसमें विश देम और परिवार का हिस्सा है तो हमें तो सपोर्ट है. अभी पूरी फिल्म की है, हैप्पी न्यू ईयर डांसिंग की पूरी फिल्म थी तो मज़ा आता है डांस करना. आई थिंक शुरू से ही बड़ा अच्छा लगा था बट बहुत ज़्यादा ऐसे किरदार नहीं किए जिसमें डांसिंग हो. बट आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर वाज वन फिल्म दैट प्रूव कि जितने सालों में मैंने क्लासेस ली डांस की थोड़ी बहुत इट वॉज वर्थ है. जी ए बी सी की टीम या ऑफकोर्स यू नो आई जस्ट वॉन्ट विश देम ऑल द बेस्ट. आई थिंक बड़ी मेहनत से बनती है डांस की फिल्म और द फिल्म इज लुकिंग रियली नाइस एंड जस्ट वॉन्ट विश देम ऑल द बेस्ट. कीप रॉकिंग. Expectation, of course, it must be well received, and I think already the buzz is good. Even I am waiting like you because it's in 3D. Hope it does. So we worked hard. More than that, I am excited to see because 3D and I have not seen the film fully with music. So I think everybody is excited. Like I am also excited. So you also playing an important role in the film. What difference we will see in this particular the second part from the first? See, the first part is totally different from the second part. It's a true story also. And Remo, and the team, Varun Dhawan and Shraddha has done a terrific job. I'm waiting to see everyone. Wish you all the best and thank you so much. Outstanding. This is the best dance film ever come. Remo Sharma super. Unbelievable. आउटस्टैंडिंग में बोला आउटस्टैंडिंग वरुण सब अच्छे नहीं और भी लड़के अच्छे वरुण बहुत अच्छा है. प्रभु का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की बाकी डांसर्स वरुण की बात ही मत करो तुम अभी. हाँ ये कास्ट एंड क्रू का था तो मैं कास्ट एंड क्रू बहुत ही खुश हैं. मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस भी ऐसे ही बाहर निकले थिएटर के और खुश रहें क्योंकि मैंने बनाई है सारी फैमिली के लिए तो मैं चाहता हूँ सारी फैमिली देखें. हाल ही में आपने प्रिंट इंटरव्यू में कहा था कि श्रद्धा और वरुण इसमें इतनी बड़ी स्टार की थी जब फिल्म साइन की थी. जी हाँ ये बात कितनी सच है और बिल्कुल मैंने वरुण को जब साइन किया था वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात कर और श्रद्धा को किया था तब वो एक्चुअली उनकी आशिकी 2 आ चुकी थी. और आपने किस तरह से मेंटरशिप किया उनको मतलब इस फिल्म के लिए? बहुत बहुत कमाल का मेहनत उन लोगों ने किया है. मैंने तो सिर्फ गाइडलाइंस दी है बट मेरा कुछ नहीं है. उनकी मेहनत है जो स्क्रीन पे आई है. एक्चुअली आप एक फेमस कोरियोग्राफर हैं तो इसलिए आप डांस फिल्म बनाने के लिए ज्यादा? नहीं नहीं मेरी पहली फिल्म तो एजुकेशनल फिल्म थी इसलिए मैंने जानबूझ के पहली फिल्म डांस फिल्म नहीं बनाई थी. फालतू बनाई थी मैंने पहले. उसके बाद अभी दूसरी जो है वो मेरी एक्शन मूवी है. मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा मेरे को. We've just seen the first half. अभी पिक्चर बाकी है तो once we finish I'll tell you what I feel. We'll finish the movie. We've just finished the first half. पूरी टीम मिल गई एक साथ so it's really nice. So we're all meeting each other after a really long time. पिक्चर अभी बाकी है guys. How was the feeling watching the movie on the screen? Well, I am such a fan of dance.
I cannot stop smiling. Like, dance is everything to me. I think this is the best dance film I've ever seen. Abroad, anywhere, here, there, I'm in love with this. Do you think this movie will be a milestone for you? Milestone for you as such? A milestone for me? I hope so. My part's still to come after the interval. But more than me, it doesn't even matter. The film, the franchise, I'm in love with it. What kind of compliment are you getting for the people as such? The compliment I'm getting, I don't know, because we just watched it. But the compliment I'm going to give is it's my favorite dance movie. I didn't think it could get better than ABCD1. And what Ramo's done is... Are you insane. Comfortable in working in dance movies? No. I did Welcome to Karachi last month. Okay. A Pakistani intelligence officer I played. I have another project coming up. Dance, I think everyone knows and loves me by. So I have fun dancing. Talking with Equation, Varun, Shraddha, Remo, and Prabhu Deva. Everyone is looking so good. We work together as a team, and I think you see the team effort on the film. Thanks. The fact is that we made ABCD1, which was India's first 3D dance movie. And with the success of that, with the incredible success of that, we thought that it'll be a great opportunity for us to take the franchise forward. But how are you confident about the direction of Remo? Remo's incredible. I think, we have complete faith in Remo and the fact that if there's anyone who has to make a 3D dance film in India, it's him. And he's proven it time and again. I mean, the first time and this time. And talking about Varun and Ashok, that's an actor and actress, what do you have to comment on that? The energy and the positivity that they've brought to the entire film. Of course, a lot of the cast is from the first half also, from the first part. But Varun and Shraddha, of course, are stars, and they've brought a tremendous amount of positivity, energy, and they're great dancers too.